सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर हियर देन हाय, माय नेम इज डॉक्टर पूरी मुखर्जी, आई एम योर फेलो एफएमजी। और आज इस हफ्ते मैं फिर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि है कि आप प्रोविजनल कैसे अप्लाई कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। मैंने पासिंग सर्टिफिकेट का बनाया था, वो हो गया आपका, है ना। मैंने इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो भी आपको मिल गया होगा। फाइनली सबको इंटर्नशिप मिल गया होगा क्योंकि मई आ गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप प्रोविजनल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए पहले ही, ताकि अगर आप वहाँ जाओ तो एक बार में आपका काम हो जाए, है ना। एकदम क्विक वाले वीडियो की ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले तो आपको पता ही है कि आपको CGMC जाना है। इंटर्नशिप प्रोसेस के लिए आप गए ही होगे CGMC, ठीक है। वहाँ जाना है आपको, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके दो दो कॉपीज लेके जानी है, दो दो कॉपीज बनानी है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे कि 10th, 11th, 12th के सर्टिफिकेट्स, आपके मार्कशीट्स, ठीक है, आपका ID कार्ड जैसे हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट, जिस पासपोर्ट के पूरे पेजेस, है ना, कोई भी पेजेस आप छोड़ेंगे नहीं, पूरे पेजेस की आपको फोटोकॉपी लेनी है। डोमिसाइल का भी फोटोकॉपी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, जैसे कि बोनाफाइड मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसे करके 3-4 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो उसके फोटोकॉपीज आप लेंगे। आपका डिग्री, आपका मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप एक बार वेरीफाई कर लेना, है ना, क्रॉस चेक कर लेना, देख लेना आपके पास है कि नहीं। जितने भी NOCs आपके पास थे, जैसे आयुष के हो गए, CGMC, DME, आपके कॉलेज के NOC, ये सब NOC आपको लगेंगे। कॉलेज के NOC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IMGs को क्या है कि डीन मैडम से साइन होता है, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन यहाँ हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो हमारे पास क्या है, NOC है हमारे पास, कि हम उससे वेरीफाई करवा सकते हैं कि हाँ, हम इस कॉलेज से अभी अपना इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आपको NOC कॉलेज का देना बहुत ज़रूरी है। आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो FMGs का आपको मिला था, वो पासिंग सर्टिफिकेट, आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आपके कॉलेज से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे, जो भी, सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो आपको एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ना नहीं है कॉलेज का, जो आप जहाँ से करके आए हैं, है ना। यूनिवर्सिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको छोड़ना नहीं है कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, है ना। सब चीज़ का फोटोकॉपी लेके जाना है, दो सेट बनाने हैं सबके, जो फोटोकॉपी आप लेके गए हैं सबके दो सेट बनाने हैं आपको, घर से ही बना के लेके जाइएगा। और जो ये लिस्ट, इसी हिसाब से आपको पूरे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो फोटोकॉपीज हैं, उसको अटैच करना है, ठीक है। और उसके बाद एक जो मेन है, आप एफिडेविट बनवाएंगे। एफिडेविट जो है उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे दूंगी, फोटो, और मेरे पास एक फोटो है, तो इस टाइप का आपको बनवाना है। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या आप इंस्टाग्राम में हमें DM कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो PDF फॉर्मेट है, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम में, मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपको जो एफिडेविट है वो बनवाना बहुत ज़रूरी है, तो बनवा लीजिएगा। एक ओरिजिनल रहेगा और एक फोटोकॉपी रहेगा, ठीक है। दो हम सेट बनवा रहे हैं ना, तो एक में ओरिजिनल लगाएंगे, एक में फोटोकॉपी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि पेमेंट, 18,000 लगता है, लेकिन यूक्रेन वालों को थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि यूक्रेन वाले लोग का क्या है कि ईमेल से होता है वेरिफिकेशन, ठीक है, तो कुरियर के चार्जेस नहीं लगेंगे। और बाकी जो कंट्रीज वाले हैं, उनको कुरियर के चार्जेस लगेंगे, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अभी तो खैर 18,000 है जो फीस है, 18,050 या 70 कुछ समथिंग है, मैं बता दूंगी इसमें, ठीक है। तो वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन, जैसे आपने 3,000 पेमेंट किया था CGMC में, याद होगा आपको, जब आपने अपना NOC लेने गए थे आप, तो आपने पेमेंट किया था 3,000, वैसा ही वो पेमेंट आपको करना है 18,000 का, ठीक है। कुरियर का ऐसा है कि आप भी करवा सकते हैं, या फिर जो CGMC वाले हैं वो भी करवा सकते हैं, अब डिपेंड करता है। कई लोग अपने से कुरियर कर देते हैं, और कई लोग बोलते हैं CGMC वाले लोग को कि आप खुद ही कर दीजिए, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कुरियर करवाना है अपने कॉलेज में, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही प्रोसेस होता है
कि यूक्रेन वाले लोग का ईमेल के थ्रू जाता है एम्बेसी में, तो वो सीधे फिर कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में, जो आप कॉलेज जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ पर एक ईमेल डालते हैं, फिर ईमेल से कंफर्मेशन एक आएगा एम्बेसी को वापस, उसके बाद एम्बेसी फिर भेजती है सीजीएमसी को। अदर कंट्रीज के हैं उन लोगों का है कुरियर, जब तक के नहीं पहुंचेगा तब तक ये वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता, तो कुरियर आप जितने स्पीड पोस्ट में जितने जल्दी भेज सके उस हिसाब से आपका प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो अगर आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी करवाना है तो एम्बेसी में कॉल लगा के पूछ सकते हैं, उनको आप बोलेंगे तो वो जल्दी काम करवाएंगे। और अपने कॉलेज में अगर आपके कोई जूनियर्स हैं तो उनको बोल के कि कॉलेज में आप करवा दे जो भी है प्रोसेस, है ना। तो जितने जल्दी आप प्रोसेस करवाएंगे उतने जल्दी आपका प्रोविजनल बने। फिर उसके बाद आपके 11th का वेरिफिकेशन होता है, 11th जहाँ से भी आप किए हैं, जिस स्कूल से किए हैं उस स्कूल पे आपका एक कुरियर जाएगा, वहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो स्कूल से भी वेरीफाई होता है तो आप स्कूल में भी जाके बात कर सकते हैं, जितनी जल्दी आपका वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों वेरिफिकेशन होने के बाद एनएमसी से भी वेरिफिकेशन होता है, मुझे पता नहीं है क्या चीज़ का होता है लेकिन वो बोलते हैं सीजीएमसी वाले कि एनएमसी से भी वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ से वेरिफिकेशन होगा तो आपका प्रोविजनल आपको हाथ में मिलता है। ठीक है, ये है मेरा प्रोविजनल। इंटर्नशिप स्टार्ट होने के 3 महीने तक उसके अंदर ही अंदर आप अपना प्रोविजनल का काम करवाना है आपको, नहीं तो आपको लेट फीस लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की है उसके बाद आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोविजनल का काम करवाना स्टार्ट कर देना ताकि आपको लेट फीस मत लगे। ठीक है, और प्रोविजनल होना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही आप अपना अप्लाई कर सकते हो नीट पीजी के लिए और जो भी यहाँ पर एग्जाम होता है इंडिया में, है ना, तो प्रोविजनल के बेसिस पे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो या गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोविजनल किस हिसाब से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसा प्रोसेस है आपको करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। शेयर करो जो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो लोग अभी इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी। Bye.